विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ गांव-गांव जाकर लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दे रहा है। मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड की हमजापुर पंचायत में जागरूकता रथ पहुंचा। इस मौके पर लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई और आयुष्मान कार्ड बनाया। लकड़ी से खाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब घर घर होम डिलीवरी के तहत गैस पहुँचाया जा रहा है निःशुल्क, जिसका गरीब तबके के लोग लाभ उठा रहे हैं। घर में गैस के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, समय का भी बचत हो रहा है। इससे नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। जिनका भी आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया वो ऑन स्पॉट यहाँ बनाया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का भी रजिस्ट्रेशन किया जाना है सब जगह। उसके माध्यम से जो छोटे मोटे जो काम रमोची है, बड़ई है, लोहार है, सुनार है, इस सब तरफ का रजिस्ट्रेशन होना है। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनको मुफ्त में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और उनके जो जिस चीज का प्रशिक्षण ले रहे हैं उससे संबंधित टूल किट औजार जो होता है वो भी मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के एकनिया गांव में यात्रा रथ के पहुंचने पर लोगों की खुशी देखी थी। किसान राजा राम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हम लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। बहुत फायदा है सर, हम लोग अनाज मिलता है जिससे हम लोग का चूल्हा प्रतिदिन चलता है। तथा इस समय जो माहौल है उसमें किसान का अभी खेती का समय है जिसमें अन्न का अभाव हो जाता है, इसलिए हम लोग को प्रधानमंत्री के अन्न योजना से हम लोग को कम से कम भूखा पेट नहीं सोना पड़ता है। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल की हजपुरवा पंचायत में यात्रा रथ के पहुंचने के बाद लोगों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि सभी योजनाएं उनके लिए उपयोगी हैं। साल में 6,000 रुपया मिलता है खेती किसानी कराने के लिए, और भी कुछ लाभ हुआ है, और पेंशन भी बहुत लोगों को मिलता है। जन धन निधि खुला खाता 2014 में, एक पीएम किसान वाला जो हमको 2020 से मिल रहा है, ठीक है। और उज्ज्वल योजना है जो 2022 से मतलब नवंबर से हमको मिला है। दरभंगा जिले के सदर प्रखंड की सोनकी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के पहुंचने पर लोगों का उत्साह चरम पर था। लाभार्थी घनश्याम कुमार ने उज्ज्वला योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। 10-15 बार किए हैं, उसके बाद इससे पहले भी बांटे योजना हम 300-400, सबको मुफ्त में देंगे, जितना का हो सकेगा उतना तक दे सकते हैं। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न सिर्फ केंद्रीय योजनाओं से अवगत हो रहे हैं बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।